हेलो फ्रेंड, सबको जय श्री राम। नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज बच्चे कह रहे हैं हमें पेन लेना है, पेन ख़त्म हो गए हैं तो मार्केट चल के पेन ले लेते हैं। और जो इसी डॉग ने बच्चा दे रखा है उसके बच्चे के लिए सपरेटा दूध लेके आते हैं मार्केट से, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है तो उसे प्योर दूध नहीं पिला सकते जैसे थैली का या जो डेयरी का जो हम लेते हैं, क्योंकि उसे प्योर सपरेटा दूध पिलाएंगे जिससे उसको हजम हो जाए। तो अगर प्योर दूध नहीं पिला देंगे तो उसे दस्त लग जाएंगे। तो उसके लिए दूध भी लेके आते हैं सपरेटा और बच्चों के लिए पेन। तो चलते हैं मार्केट। ये आ गए हैं गुलाटी जी की दुकान पर, गुलाटी शॉप स्टेशनरी की दुकान पर। और कल भी आए थे, कल यहाँ बारिश हो गई थी तो यहाँ ना जगह पे पानी भर गया था सारा, तो हम लोग फिर वापस चले गए थे। ये नाले का पानी सारा आ जाता बाहर। तो आज ये सारे बच्चे पेन लेने आए हैं इसी का, आर्यन, प्रांशु, उनके पेन ख़त्म हो गए हैं। अभी दुकान पर थोड़ी भीड़ लग रही है तो फिर अभी ये थोड़ा सा रश कम हो जाए फिर लेते हैं, चलते हैं। हम इनसे लेते हैं पेन, सब सारा सामान, किताबें, कॉपी, सब स्टेशनरी का सारा सामान। आइए चलते हैं, सामान ले लेते हैं इनके पेन बच्चों के। अभी देखिए भैया जी, इनको पेन के पैकेट दे दो जो इनके ख़त्म हो जाते हैं इनके सबके, फिर इन्हें दिक्कत होती है, फिर ये ढूंढते फिरते हैं पेनों को। तो इन्हें पेनों के पैसे दे दे। पेन कल मैं आया था, कल बारिश हो गई थी, आप निकल गए थे जल्दी। आप इनसे पूछो और जो जो पेन मांग रहे हैं वो दो। लो भाई, लो, आओ इधर आ जाओ, पेन लो अपने फटाफट। भैया से कौन कौन से पेन लेने बोलो, अभी तो पहले पेन बोलो भैया। ये डब्बी ले ली है दोनों के लिए, ये इसी का और आर्यन के लिए, इसमें बहुत सारे पेन है। और ये प्रांशु के लिए, अब ये सारे अपना अपने आप बांट लेंगे दोनों। चलो और बताओ, बस चलो जी मोनू भाई इनका हिसाब बता दो। दूध सब जगह ख़त्म हो गया, दूध नहीं मिलना। अब थैली का देखते हैं, टोल दूध मिल जाएगा तो वो पिलाते हैं उन्हें बच्चों को। और चलते हैं घर। अब यही दूध की थैली मिली है, टोल दूध की 10-10 वाली। आज डेयरी में दूध मिला नहीं, वो कह रहे हैं कि 7 बजे तक मिलता है, 7:30, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये अमूल की लिए है, टोल फ्री है दूध है अमूल का, 10 रुपये पैकेट है भैया। 10 रुपये है, 10 रुपये पैकेट है ये। तो ये कितना हो गया टोटल दूध? ये 7 पैकेट हो गए, 1400 ग्राम। 1400 ग्राम दूध हो, 1400, 1 किलो 400 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम दूध ले लिया। कल भी काम हो जाएगा दोपहर तक का, पिल उसका शीट, उसकी माँ का भी और उसके बच्चे का भी। चलो भाई और कुछ, चलो लो भैया पैसे काट लो। और भाई साहब दुकानदार क्या कर रहे हैं आप, हैं आप कौन सी टॉप ट्रॉफियाँ गिन रहे हैं, हैं? आज एसी चला रखा है इन्होंने बच्चों के मामा ने, ये देखिए थोड़ी। चले भैया, चलो बेटा देर हो रही है। बस कितनी ट्रॉफी हो गई? ये ट्रॉफियाँ लिए इसने अपने लिए और ऋषिका के लिए। ये देखिए जिसने बच्चे दे रखे उसी डॉग ने, जिन्हें हमने घर में रख रखा है डॉग को, जो उसकी माँ है, उसने सारे ये कपड़े गिर दिए तार तोड़ के रात को, सारे कपड़े। अब ये सारे कपड़े धुले हुए थे, ये तार पे टंगे हुए थे, अब सारे गिर दिए, सारे गंदे हो गए, सारे धोने पड़ेंगे। और गुसलखाने में आके ये तोड़ दिया, जो नहाने के लिए होता है ये सारा फाड़ दिया। और ये देखिए ये तार दिखाता हूँ मैं आपको, पप्पी तो बहुत अच्छी तरीके से सो रहा है, इसकी मम्मी ने करी हरकत, देखो ये तार तोड़ दी, ये तो अच्छा सो रहा है देखो बढ़िया तरीके। अभी इसकी मम्मी को मैंने अंदर नहीं घुसने दिया उसने, क्योंकि इसकी इसने नुकसान बहुत कर दिया,
सारे कपड़े देखो सब इसको, ये देखो ये तार वार सब देखो, सारी तारें तोड़ रखी है, देखो ये देखो सब इसने रस्सी खींच दी, सारे कपड़े के कपड़े खींचे होंगे, सब रस्सी खींची कपड़े नीचे गिर गए। अभी चक्कर में मशीन लगा रखी है, डबल काम हो गया और ये भी नुकसान कर दिया सारा। तो फ्रेंड्स ये देखो हमने ये लिया था, ये मसाजर बहुत अच्छा है, ये हमने लिया था सेल्स यहाँ पे बेचने आए थे तो हमने उनसे लिया था ये मसाजर। ये ऐसे इसमें क्या हो रहा है, इसको खोलेंगे ना ऐसे, यहाँ पे इसके तो सेल्स जलते हैं तीन, इसको भी बंद कर लेंगे तो, और इसको ऐसे हाथ से पुश करना है ऐसे, इससे होती है मसाज, वाइब्रेशन होती है इससे, इससे आप अपने हाथ पैर सब ऐसे मसाज कर सकते हो अच्छे से, इससे सर्दी मसाज कर सकते हो। बहुत अच्छा ही, अगर आप भी लेने जाओ आप भी ले सकते हो, इसको ऐसे दबाने से वाइब्रेशन होती है और यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से दबाओ फिर यहाँ से तो अगर आप भी लेना चाहो तो आप भी ले सकते हो, अच्छा है वैसे तो मैं इसको रख देता हूँ। और हाँ इसके साथ ये भी है, वैसे तो सेल से भी चल जाता है और एक इसके साथ लीड भी है, चार्जर से भी चल जाते हैं, इसको प्लग में लगाओ चार्जर में और ये इसमें लग जाते हैं, इसकी पिन ऐसे लगती है ऊपर, हाँ पर साइड दे रखते हैं, और इसको चार्जर में लगा के प्लग में लगाओ तो चार्जर से भी इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे सेल से ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि फिर चार्जर से इसको लगाए रखना पड़ेगा तभी चलेगा ये, तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तो अगर आपको ये भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना और हमारे वीडियोस को लाइक करते करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते करो और हमें ये चीज़ ज़रूर बताया करो कि आपको हमारे वीडियोज़ में क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको क्या अच्छा लगता है और हम उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जो आपको अच्छा लगता हो वही हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाए, इसलिए तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।